सो गाइज, आप लोग सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर या कोई भी ब्राउजर पर जो है अपना आईपी एड्रेस डाल के रूटर लॉगिन ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, तो जो स्टार्टिंग जो आप लोग चेंज नहीं करते हैं तो एडमिन जो यूजर नेम है वो एडमिन होता है स्मॉल लेटर्स में, और पासवर्ड जो है वो भी स्मॉल लेटर में पासवर्ड ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था, तो मैं आप लोग को अभी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर लॉगिन करने, लेकिन देखिए यहाँ पर हो रहा नहीं है, एरर बस शो हो रहा है। तो मैंने चेंज कर दिया था, तो मैं जो चेंज किया था पहले रखा था उसे मैं डालकर लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, फिर आप लोग को चेंज करना बताऊंगा। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर ड्रैगन पाथ टेक्नोलॉजीज का जो मेरा राउटर है, यानी वो एयरटेल का है, ऊपर एयरटेल लेकिन ड्रैगन पाथ टेक्नोलॉजीज अंदर लिखे रहता है वेबसाइट में जो है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड जो है रूटर लॉगिन का चेंज करने से पहले स्टेटस आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और फिर डिवाइस यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये वाला जो आप लोग स्टेटस वाला सेक्शन देख रहे हैं फर्स्ट वाला, इस पर आप लोग यहाँ पर एक नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, फिर यहाँ देख सकते हैं वैन कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइस जितने कनेक्ट है, यानी जो मेन डिवाइस है यहाँ देख सकते हैं डिसकनेक्ट यहाँ शो हो रहा है, अगर आप लोग चाहें तो डिसकनेक्ट, लेकिन इसको कभी डिसकनेक्ट नहीं किए करना है आपको, क्योंकि जब आप लोग वाईफाई जब लगवा रहे थे जो नंबर दिए थे, अगर वही मोबाइल से आप लोग मतलब चला रहे हैं या फिर ओपन किए है और वही मेन नंबर है, तो उसका यहाँ पर डिसकनेक्ट का शो हो रहा है, तो आप डिसकनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट तो होगा लेकिन आप लोग का नेट कभी नहीं चलेगा, यूट्यूब पे या कोई भी वीडियो ओपन नहीं होगी, सिर्फ ना ही थंबनेल शो करेगा, कुछ भी नहीं, नेट कनेक्टेड दिखाएगा वाईफाई लेकिन चलेगा नहीं। तो ये वाली सेटिंग्स को कभी भी आप लोग टच नहीं करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब आप लोग को एडमिन पासवर्ड चेंज करने का दिखाता हूँ। तो ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे 7 से 8 जो है ऊपर वर्ड्स लिखे अलग अलग जो डिफरेंट है, यहाँ पर लास्ट वाला देख सकते हैं आप लोग है एडवांस एडमिन है, फिर यहाँ पर एडमिन पर आप लोग क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ एडमिन में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, कमिट है, रिबूट है, बैकअप, रिस्टोर सिस्टम, लॉगिन, डॉस, पासवर्ड, ये पासवर्ड पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यूजर नेम आपका जो है एडमिन ही रहता है, यूजर नेम कभी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर यूजर नेम एडमिन ही रहेगा स्मॉल लेटर में, याद रखिए स्मॉल लेटर में, और आप लोग को पहले ओल्ड पासवर्ड डालना है और उसके बाद जो है न्यू पासवर्ड डालना है। तो चलिए ओल्ड पासवर्ड डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यू पासवर्ड डालेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, आप कभी भी चेंज कर रहे हैं तो आप लोग को ओल्ड पासवर्ड जो भी आपका है, ओल्ड पासवर्ड क्या होता है स्टार्टिंग में पासवर्ड ही होता है स्मॉल लेटर में, जो कि राउटर के पीछे आप लोग के लिखा रहता है। तो चलिए ये मैं नया पासवर्ड रखना चाहता हूँ, ये मैंने डाल लिया है पासवर्ड और लास्ट में मैंने 1 लिख लिया है, फिर उसके बाद रिपीट करना है वही पासवर्ड को, पासवर्ड और फिर 1 डाल के, यानी मैंने चेंज कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 लिखकर मैंने चेंज किया। फिर यहाँ अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे आप लोग, चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हम क्लिक कर दिया है, उसके बाद चेंज होता ही है, देख यहाँ मैच नहीं हो रहा है पासवर्ड, तो फिर यहाँ पर फिर से यानी डिसमैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो फिर से यहाँ पर लिखूंगा मैं पासवर्ड और इसके बाद फिर से 1 लिखूंगा, और यहाँ पर भी जो है डिफरेंट था, तो यहाँ पर भी एक बार फिर से कर लेते हैं पासवर्ड 1। फिर यहाँ अप्लाई चेंजेस आप लोग देख सकते हैं, अगर गलत हो गया तो राइट वाला रीसेट पर आप लोग क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज हो चुका है, यहाँ ऊपर पढ़ सकते हैं आप लोग चेंज सेटिंग, यहाँ पर देख सकते हैं चेंज सेटिंग यहाँ पर हो चुकी है हमारी, सक्सेसफुली शो हो रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ऐसा इंटरफेस क्यों ओपन हो जाता है, अगर आप लोग फिर चेंज करना चाहते हैं, किसी को पता चल गया या फिर भी आपसे गलत हो गया या फिर कुछ भी रखना चाहते हैं आप अपना, तो यहाँ फिर से आप लोग ओल्ड पासवर्ड कौन सा डालेंगे, लेकिन जो आपने लास्ट टाइम रखा वो जो आईपी एड्रेस के मतलब राउटर के पीछे होता है वाला आप लोग नहीं डालेंगे, जो आपने लास्ट टाइम रखा वो डालेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने पासवर्ड 1 रखा था लास्ट में, सिर्फ 1 लिखकर चेंज किया था, तो ओल्ड पासवर्ड मेरा वही रहेगा, और न्यू पासवर्ड कुछ भी रखना है तो मैं वो डालूंगा, तभी अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करूंगा और फिर तभी चेंज होगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मुझे एयरटेल का वाईफाई जो है राउटर इंस्टॉलेशन केबल लैंड वायर कैसे फ्री में मिला, उसके लिए राइट वाला जो है आइकॉन उस पर क्लिक करेंगे आप लोग, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं आपके वाईफाई राउटर में जो लाइटें जलती है उसके बारे में, उसके नीचे जो FXS लैन पावर WPS और FF बहुत सारे WPA USB लिखे हैं उसके बारे में फुल फॉर्म क्या होता है वो सब, तो आप लोग लेफ्ट वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करके इजीली जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस एवरीडे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।